हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट विद झूमा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज आपके साथ संडे सदर बाजार का वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसी वीडियो में आपको सदर बाजार का और बारह टोटी चौक का कलेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर सिर्फ कुर्ती का फैब्रिक मिल रहा था, जो कि दो कुर्ती का फैब्रिक आपको 150 रुपये में मिल रहा है और इस टाइप के दुपट्टे आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाते हैं, जो कि अब काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। दुपट्टे मोस्टली 50 रुपीज़ के ही मिलते हैं। ग्रीन मार्केट के अंदर 11 नंबर गली में जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो ये सारा कलेक्शन आपको वहीं पर ही मिलने वाला रहता है। अब यहाँ पर पहले से और भी अच्छे अच्छे कलेक्शन आने लगे हैं। गाउन के लिए मोस्टली ये मार्केट ना बहुत ज़्यादा फेमस थी। गाउन लहंगों के लिए फैब्रिक पहले इतने अच्छे नहीं आते थे, बट अब बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं। यहाँ पर देखिए, ये थान का फैब्रिक था जो कि 50 रुपीज़ मीटर के अकॉर्डिंग मिल रहा था, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये वही कुर्तीज़ के फैब्रिक थे और यहाँ पर इस टाइप का फैब्रिक आपको मिल जाता है। सिंगल इसका बना रहेगा और आपको 60 रुपीज़ का ये ना मिलने वाला है। यहाँ से 60 रुपीज़ मीटर रहने वाला है। कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिलेंगे इसमें और ये बूटियों वाला वर्क ना इसमें मिलने वाला है। प्रॉपर इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, बट ये बूटियों के डिज़ाइन में इनमें एम्ब्रॉयडरी आपको मिलने वाली है। 60 रुपीज़ इनका मीटर रहेगा। कलर ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाता है। ये देखिए, ये भी था इसमें, बहुत ज़्यादा था। और मैंने मोस्टली ना हमेशा, जैसे कि मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन या ऑप्शन दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर इस टाइप का मिलता है कलेक्शन, ताकि आप उसको समझ सकें। सिर्फ एक या दो तीन कलेक्शन दिखा के मैं नहीं हटती हूँ। बाकी देखिए, ये सारे कलेक्शन के पास बचे पड़े हैं जो कि पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, मतलब सेल आउट हो चुके हैं, तो कम ही पड़े हैं भैया के पास। इस टाइप के जॉर्जेट के फैब्रिक में भी आपको यहाँ पर थान का फैब्रिक मिल जाता है, जिससे कि ये साड़ियाँ बना सकते हैं आप, इससे लहंगा बना सकते हैं, क्योंकि इनका जो एम्ब्रॉयडरी थी ना मोस्टली जो नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा था, जहाँ पर घेरा होता है वहाँ पर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है। ये यहाँ पर एक देखिए, ये वाला फैब्रिक भी था इनके पास और ये भी सेम उसी प्राइस पर ही आपको मिल रहा है। इस टाइप के दुपट्टों का कलेक्शन ये लग रहा है कि ये दुपट्टा रहने वाला है, बट ये भी ना आपको फैब्रिक ही मिलने वाला है। इन्हीं के पास से ये लहंगे वाले भैया हैं, जो कि जहाँ पर मोस्टली एक लहंगों की गली फेमस है, उस गली के अंदर नहीं हूँ मैं, बाहर हूँ मैं। और ये सारे कलेक्शन मैं आपके साथ शोएब भाई के शेयर कर रही हूँ। और इस गली में आपको स्टार्टिंग जो रेंज होती है ना, 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है लहंगों के कलेक्शन की, जो कि आगे तक आपको 5000 या फिर 6000 का भी मिल जाता है, बट कभी कभी आपको 5-7 तक का मिलेगा, बट मोस्टली आपको ना 3000 और 3500 तक ही ना ये कलेक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर 3500 रुपीज़ तक के प्राइस पर ये जो कलेक्शन जितने भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनका प्राइस मिक्स रहने वाला है। किसी का इसमें 2000 है, किसी का 2500 है। और यहाँ पर जब इन गलियों में धूप आती है ना, तो ये भैया लोग ने ऐसे ही इन लहंगों के नीचे या फिर किसी फैब्रिक के आसपास जाके छुप के बैठ जाते हैं। अब ये सारे कलेक्शन आपको मिलते रहेंगे सिर्फ ग्रीन मार्केट में। इस मार्केट में बार्गेनिंग बहुत अच्छी खासी हो जाती है। मोस्टली लहंगे वाले जो आर्टिकल होंगे ना, उस पर तो बार्गेनिंग अच्छा खासा कर ही सकती हैं। और काफ़ी टाइम मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो 2000 के लहंगे होते हैं ना, वो भैया 1200 तक में भी ना दे देते हैं। अगर उनकी गुंजाइश होगी तो वो दे देंगे, और वो नहीं होगी तो नहीं देंगे। बट यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत अच्छी खासी होती है। यहाँ पर आपके साथ सूट का कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। ये भैया हमेशा ही ये वाले सूट्स लेकर आते हैं। यहाँ पर 300 रुपीज़ इनका ना प्राइस रहेगा। दुपट्टा, बॉटम आपको सब कुछ मिलने वाला है इन्हीं सूट के साथ। अब देखिए, फिर से आपके साथ ये फैब्रिक शेयर कर रही हूँ मैं। यहाँ पर 40 रुपीज़ मीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाले फैब्रिक ना सेल आउट हो रहे थे। सिंगल इनका पना रहेगा। कलर ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं इसमें, ये देखिए। और यहाँ पर अब यह लोग थान वाले फैब्रिक भी लाने लगे हैं। मोस्टली पहले कट पीसेस लाते थे, चाहे वो फैंसी ड्रेसेस को हो या पार्टी वेयर के, उनके कट पीसेस होते थे, बट अब कॉटन के सूटों के ना एक से बढ़कर एक थान का फैब्रिक लाने लगे हैं यहाँ पर भैया लोग। ये देखिए, फैंसी ड्रेसेस फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब जिन भैया का कलेक्शन यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनके पास भी ये फैब्रिक ही रहने वाला है। 11 नंबर ये गली है, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर ही नहीं है और इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलेक्शन कहाँ पर मिल रहा है। बस आप कलेक्शन को थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा थान है ना, ये नेक्स्ट टाइम भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ये दोनों भैया लोग आसपास ही बैठे थे। अब इनका जो कलेक्शन शेयर कर रही हूँ, ये रहेगा 50 रुपीज़ मीटर। इनका पना भी आपको सिंगल ही मिलने वाला है और प्योर कॉटन में मिलेगा। और सच में इनका जो प्रिंट था ना, वो इतना सुंदर था ना, बहुत खूबसूरत। और जैसे कि 200 रुपये में आपको 4 मीटर मिल जाता है सूट और सलवार,
दोनों का फैब्रिक। और इस टाइप के कट पीसेस भी आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, जिनके सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट आप इनमें से कट करके किसी और चीज़ में ना इनको ऐड कर सकती हैं। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है, 30, 40, 50 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ अभी ना ये देखिए कुर्ते का फैब्रिक यहाँ पर सेल आउट हो रहा था, जो कि ये भी ना कट पीस का ही रहने वाला है। और जैसे इनकी विड्थ या लंबाई होगी उसी के हिसाब से ना भैया आपको प्राइस बता देते हैं। ये ब्लैक वाला था जिसमें कि एक कुर्ता बहुत ही इजीली निकल सकता था, और ये यहाँ पर 40 रुपीज़ मीटर के हिसाब से मिल रहा था। सिर्फ एक कुर्ते का ही फैब्रिक था इसके अंदर, ये देखिए बहुत सुंदर था ये ब्लैक में। इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी पूरे के पूरे फैब्रिक में मिलने वाली थी और प्राइस था सिर्फ 40 रुपीज़। और ये देखिए बाकी ये देखिए ग्रीन कलर का रहेगा, ये थोड़ा छोटे साइज का था। तो इस टाइप के कट पीसेस मिल जाते हैं जिनको भी आप अपने स्लीव्स में, नेक पे या फिर ना सूट के दामन पर ना इनको यूज कर सकती हैं। फैब्रिक समझ में ना आए बट इनकी जो लेसेस होता है ना उनका आप यूज कर सकती हैं। ये रहेगा यहाँ पर बोर्ड, और यहाँ पर ना एक ये वाली दीदी यहाँ पर आती है और इस टाइप के ना पर्सेज यहाँ पर सेल आउट करती हैं। 100 रुपीज और 150 रुपीज इनका प्राइस रहेगा। जो बड़ा वाला रहेगा ना, जैसे बड़े बड़े बैग आप देख रहे हैं, और ये जो पोटलियाँ आप देख रहे हैं, ये पोटलियाँ आपको मिलने वाली है 100 रुपीज़ के, और बड़े बड़े बैग आपको मिल जाते हैं 150 रुपीज़ के प्राइस पर। सीक्वेंस का वर्क है, आप ये देख लीजिए, इसमें सीक्वेंस का वर्क है और बहुत फिनिशिंग के साथ ना इसमें स्टिचिंग वगैरह आपको मिलने वाली है। और मोस्टली इसी टाइप का कलेक्शन ये हमेशा ही यहाँ पर सेल आउट करती है। सीक्वेंस के वर्क में इस बार जो इनके पास पर्सेस थे वो बहुत अच्छे अच्छे रहने वाले हैं। और ये देखिए आपको ना फैब्रिक में चाहिए तो वो वाला भी आपको मिल जाता है, और इनके पास पेयर भी रहने वाला है जो कि मैं अभी आपके साथ ना शेयर करने वाली हूँ। 150 और 100 रुपीज़ में देखिए ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाते हैं सीक्वेंस के वर्क में, जो कि आप पार्टी वेयर कलेक्शन है, आप किसी भी वेडिंग सीजन में इनको यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए 200 का रहेगा, ये बड़ा वाला पर्स है, और इसी के साथ ही ना देखिए इसमें ना पाउच है। अगर आप ये दोनों लेंगे ना तो आपको 200 का मिलेगा, अगर आप पाउच नहीं लेना चाहती हैं तो ये आपको ना 150 रुपीज़ का ये वाला पर्स यहाँ पर दे सकती हैं। ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, ये वाला पर्स मेरे सामने ही सेल आउट हो चुका था, 200 का ही दोनों पीस निकल चुके थे। और इस टाइप का अगर आपको बिल्कुल सिंपल सोवर में, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ये वाला फैब्रिक मिल जाता है। ये अंदर देख लीजिए जो इसका फैब्रिक लगा हुआ है ना, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना वाटर प्रूफ में रहने वाला है, और प्राइस रहेगा बिल्कुल 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ का देखिए ये वाला पोटली बैग था इनके पास, बहुत सुंदर है, ये देख लीजिए सिर्फ 150 रुपीज़ का रहने वाला है ये पोटली बैग यहाँ पर। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के ना सीक्वेंस लगे हुए थे। अब मैं आपके साथ देखिए ये माइक्रम का पर्स यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, 150 रुपीज़ का था, और एक सिंगल पीस ही इनके पास में ये वाला आर्टिकल रखा हुआ था। इसमें भी फिनिशिंग और स्टिचिंग काफ़ी अच्छा रहता है। इनके पास भी ये जो आर्टिकल्स रहते हैं ना, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के रहने वाले होते हैं। बिल्कुल इन्हीं के पास ही है ये वाले भैया, जो कि 160 रुपीज़ का इस टाइप का कलेक्शन सेल आउट करते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का कलेक्शन आपको ना इनके पास से मिल जाता है। आपको यहाँ पर 1 साल के बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चे का कलेक्शन मिल जाता है, बट मोस्टली आपको 2 साल 3 साल के बच्चों का कलेक्शन इनके पास ज़्यादा मिलेगा। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के मिलने वाले हैं। ये वाले कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का रहने वाला है। ये भैया हैं और ये ना इन्हीं का ही कलेक्शन रहने वाला है 160 रुपीज़ का। अभी बड़े बड़े बच्चों का कलेक्शन भी आपके साथ शेयर कर दिया है। मन्नू भैया जिस गली में बैठते हैं उसी गली में देखिए ये वाला ना इस टाइप के कुर्तों का, जिसे कि शेरवानी टाइप में, ये वाला कलेक्शन आया हुआ था। और ये भी कलेक्शन आजकल मोस्टली आ ही रहे हैं, यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और 350 रुपीज़ के प्राइस पर आपको ना मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मन्नू भाई का कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत था और उतना ही अच्छा इसका ना फैब्रिक रहने वाला है। और मोस्टली मन्नू भैया जो है ना वो डब्लू, भामा, ऑरेलिया और वीबा में डील करते हैं। इस टाइप के ब्रांड के फैब्रिक आपको इनके पास हमेशा मिलेगा, फैब्रिक नहीं कुर्ता मिलेगा इन्हीं ब्रांडों का इनके पास। 150 रुपीज़ का ये वाला भी आपको सूट यहाँ पर मिल जाता है, दुपट्टा इसके साथ नहीं रहेगा, बॉटम मिल जाएगा और कुर्ता रहेगा, वो भी काफ़ी लॉन्ग में ना ये रहने वाला है। इसका जो ब्रांड रहेगा वो ऑरेलिया का रहेगा। भैया के पास आपको 2 पीस का सेट मिल जाता है। सिंगल अगर आपको कुर्तियाँ चाहिए ना तो जैसे कि उनकी क्वालिटी होगी उसी के हिसाब से प्राइस होगा। स्टार्टिंग प्राइस जो होगी 500 रुपीज़ सिंपल कुर्ती की ना हो जाती है इनके पास, अगर आपको सिर्फ कुर्ती चाहिए। ये ब्लैक कलर में देखिए आपके साथ ये सूट शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सोवर में रहने वाला है, और ये सारे कलेक्शन आपको इनके पास मिल जाते हैं। ये देखिए दुपट्टों के साथ ये वाला सेट आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि 1100 का रहेगा। जिनके साथ दुपट्टा होगा ना वो मोस्टली आपको 1000 से वो भी मिलेंगे, और जो सिर्फ 2 पीस का होगा, जैसे कि आपको उसमें कुर्ता मिलेगा
और बॉटम मिल जाता है वो आपको 900, 850 इस टाइप की रेंज में मिल जाता है। जैसा उनका वर्क होता है वैसे उनके प्राइस होते हैं। तो ये देखिए कोट सेट चाहिए आपको, मनु भैया के पास कोट सेट की स्टार्टिंग भी 800 रुपीज से हो जाती है और 1400, 1500 तक की रेंज इनके पास जाती है। ये देखिए सिंपल कुर्ता था इनके पास यहाँ पर प्योर कॉटन का। और मनु भैया की यही खासियत है ना कि इनके पास जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो मोस्टली ना किसी न किसी ब्रांड से रिलेटेड होते हैं। संडे के दिन यहाँ पर मिलेंगे आपको भैया, और थर्सडे के दिन मिलेंगे इंद्रलोक में, जहाँ पे कि दुपट्टे वाले जो तारिक भी है ना उसी वाली गली में रहते हैं। और दरियागंज में इनकी परमानेंट शॉप है, कभी भी जाकर आप इनके पास से शॉपिंग कर सकते हैं। और अभी फिलहाल देखिए ये भी आने लगे हैं, मोस्टली पहले ये दरियागंज की मार्केट में बैठते थे, अब यहाँ पर ये भी आ जाते हैं, बाद में मनु भैया भी आ जाते हैं, बट अभी मॉर्निंग में यही थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं क्राउड अभी भी थोड़ा कम है। इन्हीं के पास है ये वाले भैया इस टाइप के ना, ये कुर्ता रहेगा और इस टाइप का सूट रहेगा, जैसे कि आप ये हैंग होते हुए देख रहे हैं ना, 150 रुपीज का सेल आउट कर रहे थे यहाँ पर। इनके पास नेक पीसेस थी, कट पीसेस थे, मतलब काफी सारी वैरायटी ये अपने पास इन्होंने रख रखा था। लोअर 150 का था यहाँ पर, अगर वो चाहिए तो कुर्ते भी आपको मिल जाते हैं उन्हीं के साथ। और इस वाली गली में देखिए मैंने लोकेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी किया, इस टाइप के सूट के फैब्रिक के कट पीसेस भी मिल जाते हैं, पूरा पूरा थान का फैब्रिक भी मिल जाता है। और इसी गली में होते हैं ये लेस वाले भैया, एक से बढ़कर एक लेस इस बार इनके पास आई हुई थी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गजब के कलेक्शन थे, और जो प्राइस था वो भी बिल्कुल गजब का ही रहने वाला था। और ये जो लेसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए ये वाला आपको ना 30 रुपीज मीटर के हिसाब से मिल रहा है, ये फ्लावर वाला पैटर्न आपको 30 रुपीज के प्राइस पर मिल रहा है। ये वाला आपको लेस मिलेगा यहाँ पर 50 रुपीज के प्राइस पर, इसकी विड्थ आपको काफी अच्छी मिलेगी। अब देखिए ये वाला लेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 10 रुपीज मीटर में था ये वाला लेस, देखिए कितना खूबसूरत है 10 रुपीज मीटर। ये जो देखिए ये तो और भी खूबसूरत था, देख रहे हैं आप, सिर्फ 20 रुपीज मीटर में ये वाली लेस यहाँ पर मिल रही थी, जो कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये 30 रुपीज मीटर था यहाँ पर, ये देख लीजिए 30 रुपीज मीटर रहेगा, स्क्रीन पर 20 है बट ये 20 नहीं, 30 रुपीज मीटर में था ये वाला लेस। अब जो ये वाला कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए ये भी यहाँ पर ना आपको 20 रुपीज के मीटर पर मिल जाता है, ये देखिए ये 20 रुपीज का रहेगा यहाँ पर, 20 रुपीज वाला कलेक्शन शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। इस बार इनके पास इतने अच्छे अच्छे लेसेज आए थे ना कि मन कर रहा था कि आपको सारे एक एक चीज दिखाऊं मैं, कि देखिए यहाँ पर इस टाइप के इतने सुंदर सुंदर लेसेज मिलते हैं। और इन भैया का मैंने ना पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रखा है, ऑनलाइन ये बिल्कुल भी नहीं देते हैं, आपको यहीं पर आके परचेज करना होगा। और सेलमपुर में आपको भैया मिलेंगे, जो सर्विस रोड होता है ना वहाँ पर एक छोटा सा ना पुलिस की चौकी सी है, एक बूथ बना हुआ है वहां पर, और भैया आपको वहीं पर मिल जाते हैं। तो ये देखिए इनके लेजर से कलेक्शन शेयर कर दिया है आपको, ये देखिए कितने ज्यादा विड्थ की रहने वाली है, 50 रुपीज तक के प्राइस पर ना आपको इस टाइप की इतनी चौड़ी चौड़ी लेसेस यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इनके पास लेसेस सबसे अच्छा कलेक्शन रहता है, और प्राइस जो है ना वो भी सबसे अच्छा ही इन्हीं का रहने वाला होता है। ये देखिए चौड़ी लेस में आपके साथ फिर से एक कलेक्शन शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो इन्हीं के पास से ना ये सारे लेसेस आपको मिल जाती हैं ग्रीन मार्केट में, जैसे ही आप एंटर करेंगे ना तो राइट हैंड साइड पे एक गली होती है पतली छोटी सी गली, ज्यादा बड़ी नहीं है, और ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बिजली घर भी होता है और यहीं पर ही ये भी है, ये सारे कलेक्शन लेकर बैठते हैं 30, 20, 50 रुपीज तक की रेंज पे, एक से बढ़कर एक कलेक्शन मिलेगा। 5 रुपीज से ना इनके पास स्टार्टिंग हो जाती है। ये देखिए ये वाला जो कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको 30 रुपीज के प्राइस पर मिलने वाला है। तो ऐसे ही काफी सारे कलेक्शन है, 5 रुपीज से इनके पास स्टार्टिंग हो जाती है, 50, 60, 70 तक का कलेक्शन मिल जाता है। ये फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं, ये इनके बेटे हैं, कभी कभी ये मॉर्निंग में शॉप लगा देते हैं और बाद में ना भैया आते हैं, मोस्टली इनके पापा यहाँ पर आते हैं और वो सेल आउट करते हैं। तो ये भी मिलेंगे, और इनके पापा को भी आप देख ही लीजिएगा। और ये सारे कलेक्शन जब आप एंटर करेंगे ना, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये सारा कलेक्शन इन्हीं का ही रहने वाला है, और सामने रहेगी मनु भैया की शॉप। अब ग्रीन मार्केट में जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पर मिलते हैं ये वाले भैया, इनके पास इस बार इस टाइप के टॉप के कलेक्शन थे, इनसे आप कुछ भी ले सकती हैं, कोई सा भी टॉप। तो फिलहाल इन्होंने 100 का कर रखा था, इनके पास 160 और 200 रुपीज वाले भी कलेक्शन रहता है, बट इस बार इन्होंने इन सभी आर्टिकल्स को 100 रुपीज के सेल पर लगा दिया था। ये देखिए बहुत ही सुंदर था ये, बहुत ज्यादा देख रहे हो, ये वाले कलेक्शन देख लीजिए आप, लॉन्ग कुर्ती थी ये, शिफोन के उसमें था फैब्रिक में, और ये वाला देखिए एक जॉर्जेट था जिसे कहते हैं ना, ये वाला भी इनके पास था और 100 रुपीज का ही आपको मिल जाता है।
इस टाइप के गाउन पहले नहीं लाते थे भैया, बट अभी फिलहाल ना इस टाइप के गाउन लाने लगे हैं, जिसे कि आपने मोस्टली फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, और उसी टाइप के हैं जो कि फैशन शो वगैरह में जैसे पहना जाता है ना, उस टाइप का पूरा पैटर्न था इसका। और इसका प्राइस था सिर्फ 800 रुपीज़, और 800 रुपीज़ से तो जैसे कहते हैं ना उससे ज़्यादा का था, जिसमें कि इसमें करदाना नलकी वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखिए बहुत ही लॉन्ग गाउन रहेगा, बिल्कुल फैंसी ड्रेस ये रहने वाली है, और आपको मिलेगा 800 रुपीज़ के प्राइस पर। और इससे भी अच्छा अच्छा कलेक्शन आजकल भैया ना लाने लगे हैं। इसमें भी देखिए ये आपको ना बॉटम में ये इस टाइप की फ्रिल आपको मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर ये स्कर्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, छोटे बच्चे का रहेगा ये स्कर्ट भी, जो कि मल्टी कलर के सीक्वेंस से बना हुआ है, और 100 रुपीज़ का ही सेल लगा रखा था। इस बार इनके पास जो भी कुछ आप ले सकती थी सिर्फ 100 रुपीज़ का ही आपको ना मिलने वाला है। इस टाइप की कुर्तियाँ थी इनके पास, और मैं थोड़ी जल्दी यहाँ पर आ गई थी, और इस मार्केट में मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई थी, तो ये सारे कलेक्शन देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 100 रुपीज़ का रहेगा, क्राउड देख लीजिए, वरना यहाँ पर तो मतलब पैर रखना इतना मुश्किल होता है, इतना कम क्राउड था। ये देख रहे हैं स्टार्टिंग, कभी नहीं मिलेगा आपको इस टाइप का नज़ारा देखने के लिए। इसीलिए अगर आप जल्दी आएंगे ना इस मार्केट में, तो आप अच्छे से ना कवर भी कर पाएंगी और इस मार्केट को एक्सप्लोर भी कर पाएंगी, तो थोड़ा जल्दी आने के लिए इसीलिए ही कहा जाता है। पर्स मोबाइल का तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं बिल्कुल बाहर आ चुकी हूँ। इस टाइप की सैंडल्स यहाँ पर ये भैया सेल आउट कर रहे थे 250 रुपीज़ के प्राइस पर, जो कि मुझे इसमें ना इस बार के इनका कलेक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और ये भैया भी क्या करते हैं, पहले ना एक चीज़ डालकर देख लेते हैं, कोई अगर कस्टमर्स आ रहा है परचेज हो रहा है तो ठीक है, वरना उनको समेट के ना फिर दूसरा आर्टिकल ये ना डालना स्टार्ट करते हैं, या फिर अगर सारे ही कलेक्शन अच्छे हैं फिर भी कोई वापस जा रहा है, तो फिर ये क्या करते हैं और अच्छे अच्छे वाले कलेक्शन डालना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं कि मतलब सारे कलेक्शन एक ही बारे में डाल दो ताकि जो भी आ रहा है वो लेकर उनको चला जाए, लेकिन नहीं, ये भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए धीरे धीरे डालते रहते हैं। अब यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं नौशाद भाई के पास। अगर इस टाइप के आपको आर्टिकल चाहिए तो आपको ना नौशाद भाई के पास ही आना पड़ेगा, अदरवाइज इस पूरी मार्केट में चाहे ग्रीन मार्केट हो, सदर बाजार हो, कहीं पर भी हो ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ इन्हीं भाई के पास ही आपको ये सारे कलेक्शन मिलने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं 150 रुपीज़ में 2 पीस मिल जाता है, और पैटर्न देखिए आपने देख ही लिया, एक पैटर्न भी इनके पास काफी ज्यादा रहेगा, एक पैटर्न रहेगा ये वाला, ये भी आपको यहाँ पर 150 रुपए में 2 ही मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए फैब्रिक स्ट्रेच कितने स्ट्रेचेबल है, यही दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं। ये देखिए ये सारे कलर ऑप्शन काफी मिलेंगे आपको, पैटर्न काफी ज्यादा है यहाँ पर, तो सेम पैटर्न पे भी काफी सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। और इनके पास 150 रुपीज़ में दो भी मिलने वाले हैं, और 150 रुपीज़ का भी आर्टिकल इनके पास रहेगा। जैसे ये वाला कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ मैं, ये 150 रुपये का रहने वाला था, और ये जो होगा ना इस टाइप के ड्रेसेस आपको, ड्रेसेस नहीं सॉरी, इस टाइप के आर्टिकल आपको मिल जाता है 150 रुपये में 2। तो काफ़ी ज़्यादा बल्क है इनके पास भी, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहती हैं ना तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें भैया, बहुत सही है, और पहले से ही ऑनलाइन भी करते हैं तो आप इनसे ऑनलाइन भी ना खरीदारी कर सकती हैं। फैब्रिक बिल्कुल बिना किसी डाउट या डर के, अगर आपको फैब्रिक का किसी कुछ डर है तो वो आप बिल्कुल भी ना लें टेंशन, इनका जो फैब्रिक रहेगा ना वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं आपके साथ ही शेयर भी करूँगी, भैया से मैंने कहा भी था कि आप एक ना मुझे जैसे कहते हैं स्ट्रेच करके दिखाइए कि इनकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी रहने वाली है, तो भैया देखिए आपको ये वही दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, देखिए ये रहेगी इसकी स्ट्रेचेबिलिटी, तो ये आर्टिकल आपको मिलेंगे सिर्फ इन्हीं भाई के पास, और कोई यहाँ पर सेल आउट ही नहीं करता है इस क्वालिटी में या फिर इस क्वांटिटी में। इनका बैक साइड और फ्रंट साइड देखिए दोनों आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पर, ये देख रहे हो स्टिचिंग वगैरह काफी अच्छे ब्रांड का रहने वाला है इन भैया के पास। इनके पास मोस्टली जो ब्रांड रहता है ना वो नेवी जिसे कहते हैं ना, उस ब्रांड का रहने वाला होता है। ये देखिए और इसमें भी आपको काफी ज्यादा पैटर्न मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा सेल आउट होते हैं भैया का ये वाले आर्टिकल्स। यहाँ पर सारे कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ये मिलेगा आपको 12 टूटी चौक पर, जो मेन सर्विस रोड होगा ना वहीं पर ही मिलने वाला है। और भैया का कलेक्शन भी दिखा दिया आपको, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है, कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप इनसे कॉल कर सकती हैं, ऑनलाइन लेने में इंटरेस्टेड है तो बिना किसी डाउट के ना आप इनसे ले सकती हैं। भैया का नेचर वैसे काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज कोई कंप्लेन हो आपकी तो आप मैसेज के जरिए बता सकती हैं। और ये रहेगा भैया का कार्ड आपके साथ, देखिए शेयर कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर फिर से शेयर कर दिया है आपके साथ। अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, यहाँ पर मिल रहे हैं
ये वाले सूटों का कलेक्शंस जो कि आपको 250 रुपये में मिलेगा, 3 पीस का ये रहने वाला है। बट प्लीज़ आप जब भी इनसे फैब्रिक लेना तो एक बार फैब्रिक को चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि मोस्टली जो ये वाले कलेक्शन होते हैं ये 350 के होते हैं, बट यहाँ पर देखिए ये 250 का सेल आउट करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनमें डिफेक्ट ज़रूर होगा, या तो ये फैब्रिक कम होगा या फिर कहीं से कुछ फटा फटा होगा। अब देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे के साथ की बेलीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 100 रुपीज़ के सेल पर लगा रखा था, इन्हीं के पास है। और यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है वो मैं शेयर कर दूंगी, क्रॉकरी वाले भैया भी यहीं पर ही होते हैं, और जो डेनिम जींस की पैंट वगैरह सेल आउट करते हैं ना वो भले भैया भी यहीं पर ही अपनी काउंटर लगाते हैं। अब ये देखिए ये वाला बच्चों की मम्मियों का कलेक्शन शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर 150 रुपीज़ के प्राइस पर मिलने वाला है। ये जितने भी सैंडल्स आप देख रहे हैं ना 150 रुपीज़ का था, मजबूत थी ये सारी की सारी, बट इसमें ना डिफेक्ट तो खैर कुछ भी नहीं था, बट इसमें भी ना जैसे कहते हैं ना बिल्कुल आंखों को देखकर पसंद आने वाला कलेक्शन नहीं था, बट फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। अब देखिए यहाँ पर ये शूज़ सेल आउट हो रहे थे, ये देख रहे आप 150 रुपीज़ का सेल आउट हो रहा था। तो ऐसा नहीं था जैसे कि आपको एक कलर पसंद आ गया तब कहेंगे इसका बड़ा साइज दे दो, वो नहीं था, जो भी है आपके सामने है उसी में से ही आपको ना चूज करना होगा, चाहे वो छोटे साइज का हो या बड़ा। अब यहाँ पर देखिए ये वाले फैब्रिक भी काफ़ी टाइम से सेल आउट हो रहे हैं, कलर्स ऑप्शन बदलते रहते हैं, और ये आपको 80 रुपीज़ मीटर रहेगा, और सिंगल पन्ना ना आपको ये मिलने वाला है। ये देखिए डेनिम वाले भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बड़ा सा पेड़ रहेगा यहाँ पर, और यहीं पर ही ये वाले भैया आपको ना मिल जाते हैं। ये भी एक गली रहती है जो कि परमानेंट ये शॉप होती है, बट संडे के दिन ये शॉप्स सारी बंद रहती हैं। अब यहाँ पर हैं ये वाले अंकल जी जो कि हमेशा ही ना स्कूल की जो ड्रेसेस होते हैं ना पैंट, वो वाले आर्टिकल यहाँ पर सेल आउट करते हैं। अगर आपको अपने बच्चे के लिए इस टाइप के स्कूल के पैंट्स के लिए आर्टिकल चाहिए ना, पैंट ही चाहिए स्कूल के ड्रेस में, तो वो आप यहाँ से ले सकती हैं। इनका लोकेशन बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और काफ़ी टाइम से ना ये इसी में ही डील कर रहे हैं। आपको यहाँ से शर्टें भी मिल जाएंगी, और यहाँ पर हाफ में मिल जाएगा और फुल में भी मिल जाता है। शर्टें 50 की रहेंगी और ये पैंटें आपको 100 की मिलेंगी। 100 का समझ के आप इनको बेकार मत समझना, इनकी फिनिशिंग स्टिचिंग वगैरह काफ़ी कुछ बिल्कुल फ्रेश रहने वाला है। ये देखिए इनका लोकेशन मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, और यहाँ पर ये रहेगा दिल्ली नगर निगम का बोर्ड, पॉली क्लिनिक रहने वाला था, और यहीं पर आपको मिलेंगे ये वाले अंकल जी। अब जो पॉली क्लिनिक का बोर्ड दिखाया था ना बिल्कुल वहीं पर ही मैं आ चुकी हूँ, वहाँ पर ये वाले सूट के कलेक्शन सेल आउट हो रहे थे, ये देखिए प्योर कॉटन में, और बहुत अच्छा अच्छा ना इनके पास कलर ऑप्शन था। ये देखिए दुपट्टा मिल जाएगा आपको इसमें प्रॉपर तरीके से, सूट और सलवार का भी फैब्रिक आपको इनके पास से मिल जाता है, कलर ऑप्शन इनके पास बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैंने इनका भी सूट का कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है। फैब्रिक आपको पूरा पूरा मिलेगा इनके पास से, और इनके पास ना एक मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑल ओवर वाला सूट का फैब्रिक जो कि 300 रुपीज़ का रहने वाला है, और इनके पास जो ये कलेक्शन था ना ये भी 300 रुपीज़ का ही सेल आउट कर रहे थे, 350 का इनके पास नहीं रहने वाला। कलर ऑप्शन इनके पास सच में बहुत अच्छे अच्छे थे, फैब्रिक पूरा मिलेगा और यही मिलेंगे यहाँ पर, और हमेशा मिलते हैं यहाँ पर, कभी कभी इनके पास ना 150 रुपये में भी आपको सूट का फैब्रिक मिल जाता है। तो ये सारे कलर ऑप्शन देखिए आपके साथ वही सेम एज, जैसे कि ये जो प्रिंट है ना ये पूरे सूट में रहेगा, सूट और सलवार का फैब्रिक एक ही साथ रहने वाला है, और 300 रुपये का मिलेगा आपको ये, और इसके साथ भी आपको ना दुपट्टा मिल जाता है। ये देखिए दुपट्टा मिलने वाला है इन्हीं के साथ, और सूट और सलवार का जो फैब्रिक रहेगा वो सेम रहेगा, प्राइस इनका रहेगा 300 रुपये, प्योर कॉटन में ना रहने वाला है। यहाँ पर मैंने भी इनके पास से यही वाले फैब्रिक ना दो लिए थे इनसे, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि इनका फैब्रिक जो था ना वो काफ़ी अच्छा था, जिसे कहते हैं थिकनेस वगैरह भी बहुत अच्छी इनकी रहने वाली है, और मैंने चेक भी कर लिया उसको, तो इसमें से ना कलर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकला, जिसे कहते हैं कॉटन का है जो हल्का फुल्का निकलता है वैसे ही निकला, बट ऐसा नहीं कि धोया और पूरा कलर निकल गया। तो ये चीज़ें मुझे ना इन भैया की अच्छी लगी कि इनका फैब्रिक अच्छा था, 300 रुपये का था और अच्छा था, थोड़ा कभी कभी डाउट हो जाता है ना कि 300 का है पता नहीं ये सही होगा या फिर नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप के कट पीसेस सेल आउट हो रहे थे, 40 रुपीज़ का रहेगा, और आपको देखना पड़ेगा अगर इनसे आप क्या बना सकती हैं, और जो उनकी विड्थ और लंबाई रहेगी ना उसके हिसाब से भी उनका प्राइस ना रहने वाला है। मोस्टली कट पीस था, कोई 2 मीटर का भी था, कोई 1 मीटर का भी था, तो वो आपको 40 रुपये का ही मिल रहा था। और इस टाइप की पैंटें यहाँ पर मिलती हैं 100 रुपीज़ के प्राइस पर। ये देखिए कार्गो वाली पैंट भी थी इनके पास, और इस टाइप के डेनिम्स मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल रहता है, बट रहता है ना जैसे शॉप पे थोड़े दिनों तक ये ज़्यादा रह जाती हैं, तो वो वाले कलेक्शन ये रहने वाले हैं।
कोई भी ये ना पैंटे कटी फटी नहीं थी, वैसे कटे फटे थे जो एज ए डिजाइन या फिर फैशन के तौर पे कटे फटे होते ना वो था, बट अदर कुछ बेकार नहीं था। और इनके पास में ये शर्टें भी थी जो कि 100 रुपीज के प्राइस पर मिल रही थी। अब मैं देखिए यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर ना भीड़ भड़का थोड़ा कम है, तो मॉर्निंग में अगर आप आती हैं तो आपकी ना अच्छी खासी शॉपिंग यहाँ से हो जाती है। ये जितने भी टॉप का कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, 150 रुपीज में ये सारे टॉप आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो इसमें भी ना काफी ज्यादा पैटर्न थे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जूस की शॉप रहेगी और ये भैया हमेशा यहीं पर ही बैठते हैं। जॉर्जेट, शिफोन, रियोन, कॉटन, सारा फैब्रिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो टॉप की क्वालिटी होगी वो इन्हीं सभी फैब्रिकों में ना आपको मिलने वाली है। और रियोन कॉटन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जॉर्जेट के भी आपको इनके पास से मिल जाता है, बट शिफोन के आर्टिकल बहुत ही कम मिलने वाले हैं इनके पास से। अब देखिए यहाँ पे बेडशीट वाले भैया भी बैठते हैं, और इस टाइप की जो पैंटे देख रहे हैं आप सिर्फ 150 रुपीज की रहने वाली है। ऊपर जो टी शर्ट है आप बड़े बड़े साइजों की आप देख रहे हैं ना, वो भी आपको 150 रुपीज का ही मिल जाता है। ये बड़ी बड़ी पैंटे आपको 300 रुपीज की यहाँ पर मिल जाती हैं। अब तो यहाँ पर ये वाले भैया जो कि 2 पीस सेल आउट कर रहे थे, 2 पीस का मतलब है यहाँ पर बॉटम और सूट का रेडी टू वियर वाला कलेक्शन सेल आउट कर रहे थे भैया यहाँ पर। और एक आर्टिकल भैया ने मुझे यहाँ पे ओपन करके भी दिखाया था, और जो कि इसे ना इजीली जिसका जिनका साइज डबल एक्सल है ना, इनकी पैंट इतनी ज्यादा मतलब लूजनेस है उसमें कि वो भी उनको पहन सकती हैं। ये देखिए ये सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 250 रुपीज का ही। ये देखिए भैया ने यहाँ पर दिखाया है, और आपको ना साइजेस भी यहाँ पर मिल जाएगा, स्मॉल साइज मिल जाता है, मीडियम, लार्ज, सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये देख रहे हैं आप इनका, और ये आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 250 रुपीज के प्राइस पर। और किसी किसी के साथ ना दुपट्टा था, मोस्टली के साथ मैं पहले बता देती हूँ आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, बट किसी किसी के साथ आपको दुपट्टा मिल जाता है। तो ये रहेंगे इन्हीं भैया का कलेक्शन यहाँ पर। इनका फेस भी देखिए मैं दिखा दिया, इनके पीछे देखिए क्रॉकरी वाले भैया रहने वाले हैं। इनके पास इस टाइप की क्रॉकरी आपको मिल जाती है 10 रुपीज ईच में, जो कप सिंगल सिंगल पीस होगा ना वो आपको 10 रुपीज ईच में ना मिल जाता है। बट अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 20 रुपीज का रहेगा जो भी आप कप लेंगे यहाँ से। और ये देखिए 40 रुपीज में 6 पीस यहाँ पर सेल आउट हो रहे थे इन वाले कप का। तो इनकी जो क्वालिटी होती है ना वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। जी 6 मिल रहा है आपको, इस टाइप का जार मिल जाता है आपको 70 रुपीज के प्राइस पर, और ये वाला कंटेनर आपको मिलेगा 50 रुपीज के प्राइस पर, जो कि मोस्टली हर मार्केट में ना ये 50 रुपीज का ही सेल आउट हो रहा था, जबकि क्रॉकरी मार्केट में भी ये 50 रुपीज का ही सेल आउट हो रहा था। इस टाइप के मर्तबान आपको छोटे छोटे साइज के मिल जाते हैं, जिसमें कि आप 1 kg का थी इसकी कैपेसिटी नहीं थी, बट 1/2 kg या फिर जिसे कहते हैं ना 250 ग्राम की कैपेसिटी इनकी रहने वाली है। तो आप नमक चीनी वगैरह के लिए इनको यूज कर सकती हैं। इस टाइप का कप आपको यहाँ पर मिलने वाला था 60 रुपीज के डजन पे मिल जाता है। इस टाइप का कप आपको 60 रुपीज रहेगा, किसी किसी का तो 100 रुपीज भी रहता है, तो वो वाला कलेक्शन भी इनके पास आता है। 60 और 40 वाला ज्यादा मिलेगा, बाकी देखिए ये वाले कप जो आप देख रहे हैं ना ये आपको मिल जाते हैं यहीं पर ही। ये वाला कप आप देख लीजिए, ये वाला भी इन्होंने यहाँ पे 60 रुपीज डजन में डाल रखा था, और 10 रुपीज ईच मैंने ये वाले बाउल्स रहने वाले हैं, जो कि इन बाउल्स में थोड़ा बहुत डिफेक्ट था, बहुत थोड़ा बहुत, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, जो जबकि पता भी नहीं चल रहा है, तो इसीलिए ये ना 10 रुपीज का मिल रहा था यहाँ पर। बाकी ये ना काफी हैवी मटेरियल में रहने वाला था, जो इसका था ना जो बाउल थे ना वो काफी भारी थे, यहाँ पर 10 रुपए का ये मिल रहा था। और जो कि आप इसमें चटनी वगैरह ना सर्व कर सकती हैं या फिर सॉस सॉस ये वाले मिल जाते हैं आपको यहाँ पे 30-50 रुपीज के प्राइस पर। 30 रुपीज का जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा, 50 रुपीज का थोड़ा सा बड़ा होगा। ये वाले आप बाउल देख रहे हैं ना, ये भी आपको इवन यहाँ पर मिल जाता है, काफी हैवी रहने वाले थे। डिजाइन देख लीजिए आप इसका, सिरेमिक का ये रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इटली वाले आर्टिकल में रहने वाले, ये सिंपल सिरेमिक है और ये भी सिंपल सिरेमिक रहने वाला है 50 रुपीज का। देखिए ये गुल्लक आपको मिल जाती है जो कि हाउस के शेप में रहने वाली है, 50 रुपीज का आपको ये मिलेगा। इसके बाद थे यहाँ पर ये वाले भैया जो कि इन्होंने पता नहीं कैसे ये सिर्फ 100 रुपीज का सेल इन्होंने डाल रखा था। ये सूट का कलेक्शन था जिसमें कि काफी हैवी हैवी जिसे कहते हैं ना नेक में डिजाइन था और एम्ब्रॉयडरी वगैरह काफी हैवी रहने वाली है, और 100 रुपीज का ये सेल आउट कर रहे थे। और जब कभी इस टाइप के सेल दिखे ना आपको, तो एकदम से ना आप उस पर कूट मत पड़ना, बहुत सोच समझ के परचेज करना। अगर ये 100 रुपीज का जितनी अच्छा दिख रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, या तो इसका फैब्रिक कम होगा इसमें, या फिर कहीं से ये कटा फटा होगा। और ये इस टाइप के कलेक्शन अगर आप यहाँ से परचेज करती हैं, आपको अगर चेक करने दे रहे हैं, ओपन करके दिखा रहे हैं, तो ही लीजिए, अदरवाइज आप मत लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर पे उसको लेके जाएंगे वो किसी काम का नहीं होगा, पड़ा रहेगा, तो वो फिर आपका पैसा ना वेस्ट
हो जाता है। तो यही मैं दिखाने के लिए मैंने इसको बनाया कि देखिए 100 रुपीज के सेल पे ये इस टाइप का कलेक्शन कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। और यहाँ पर ये जो आप गार्लिक या फिर लहसुन देख रहे हैं, ये भैया बता रहे थे कि मैं जस्ट अभी ना खेतों से ही लेकर आया हूँ और इसमें ना प्रॉपर तरीके से मिट्टियां भी लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं ना आपको ये कलेक्शन दिखा रही हूँ कि यहाँ पर इस टाइप के आर्टिकल्स भी आते हैं। मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।